welcome to my YouTube channel Biological Domain. Today we will learn about joints and their types. As we have already studied about different types of bone present in human skeletal system, and we know there are 206 bone present in human body, and they are connected with each other at some point, and that point is known as joints. So we will discuss joints. So what is definition of joints? Joints are point of contact between bones or between bones and cartilage. Joint kya hai? To point of contact hai kiske beech mein? Bones ke beech mein ya bones aur cartilage ke beech mein. Ab joints ko jo hai hum log saral bhasha mein kya bol sakte hain? Jod ya sandhi. जोड या संधि का मतलब है कहीं पे वो आपस में जुड़ रहा है, कहीं पे वो कनेक्ट हो रहा है. तो अगर किसी वस्तु को हम आपस में जोड़ते हैं तो हम किस चीज का उपयोग करते हैं? ग्लू का उपयोग करते हैं. लेकिन जो हमारा बोन्स आपस में कनेक्टेड है पॉइंट में, वो किस चीज से कनेक्टेड है? लीगामेंट से. तो बोन जो है, बोन टू बोन जब कनेक्ट हो रहा है तो वो लीगामेंट से कनेक्ट हो रहा है. लेकिन जब वो वही बोन मसल से कनेक्टेड है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? टेंडन. तो अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? BBL, बोन टू बोन लिगामेंट, एंड बोन टू मसल मींस MBT, बोन टू मसल दैट इज टेंडन. इट इज कनेक्टेड विथ दैट पॉइंट. सो अब क्या है, जो जॉइंट्स है वो डिफरेंट डिग्री और टाइप्स ऑफ मूवमेंट को शो करता है. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ज्वाइंट है, जैसे शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, और उन सारे का मूवमेंट जो है अलग अलग तरह से शो होता है. इसलिए इसको बोला गया है कि दे शो डिफरेंट डिग्री एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट. इसी आधार पे ज्वाइंट्स को जो है डिवाइड किया गया है तीन भाग में. वो कौन है? फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड सिनोवियल ज्वाइंट. अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं सारे जॉइंट्स का डिफिनेशन. तो फाइब्रस जॉइंट, जैसा कि नेम आपको सजेस्ट कर रहा है, ये फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होता है. फाइब्रस टिश्यू का बना होता है जो कि कोलाजन में रिच होते हैं. तो बोन्स आर जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू रिच इन कोलाजन. ये जॉइंट जो है आपको देखने को मिलेगा स्कल बोन्स के बीच में. जैसे ये दो स्कल बोन आपका शो है किया गया है, और ये जो बीच में जो गैप है, जो ज्वाइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? सूचर. तो फाइब्रस ज्वाइंट हमको कहाँ देखने को मिलेगा? सूचर्स में. और कहाँ मिलेगा? गॉम्फोसिस में. अब ये गॉम्फोसिस क्या है? तो ये है टूथ इम्बेडेड इन गम्स. जो हमारा टूथ होता है वो गम्स में इम्बेडेड होता है, और वो भी क्या होता है? इमूवेबल होता है. तो फाइब्रस ज्वाइंट का डिफिनेशन क्या हो सकता है? कि फाइब्रस ज्वाइंट्स आर द ज्वाइंट्स विच अलाउ नॉट एनी मूवमेंट. मींस ये ज्वाइंट जो होगा कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, इसके कारण इसको इमूवेबल ज्वाइंट्स भी बोलते हैं. अब ये तो हो गया फाइब्रस ज्वाइंट. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट. तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ये क्या होता है? इस जॉइंट्स में क्या होता है? बोन्स जो कनेक्टेड होता है वो कार्टिलेजिनस टिश्यू से कनेक्टेड होता है. और ये कहाँ पाया जाएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट? तो ये हमें, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है वहां पे क्या होता है? एक जॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर वर्टिब्रा डिस्क. क्योंकि दो वर्टिब्रा के बीच जो भी ज्वाइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क. तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मिलेगा. और कहाँ मिलेगा? रिब्स और स्टर्नम में. ये हो गया कार्टिलेजिनस ज्वाइंट. नेक्स्ट आपका है सिनोवियल ज्वाइंट. तो सिनोवियल ज्वाइंट क्या है? ये आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं. सिनोवियल ज्वाइंट का ये दो बोन्स है, और बीच में जो ये स्पेस है यहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इसके बाहर का जो कवर है उसको सिनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं. और ये जो फ्लूइड जो इनक्लोज होता है एक स्ट्रक्चर से, इसे हम कैप्सूल बोलते हैं. ये क्या है? कैप्सूल.
और यहाँ पे क्या है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो सिनोवियल जॉइंट जो है जो ज्यादातर जो मूवमेंट देखने को मिलेगा लोकोमोशन में या मेनी अदर मूवमेंट, ये आपका है सिनोवियल जॉइंट। अब इसको भी फर्दर इसके वर्क पे डिवाइड किया गया है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। अब वन बाय वन देखते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे ये आपका एक बॉल की जैसा स्ट्रक्चर है और ये क्या है आपका सॉकेट है, ये क्या होगा इस तरह से ये मूव करेगा, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का स्ट्रक्चर हो गया। इसका एग्जांपल है आपका शोल्डर और हिप जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपके शोल्डर और हिप जॉइंट में प्रेजेंट होता है और ये मूवमेंट करता है ऑल डायरेक्शन में। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट जो है ये आपके दो बोन्स को कनेक्ट करता है, एक होता है आपका कॉलर बोन और एक स्कैपुला, दोनों को ये कनेक्ट जहां से करेगा वो हमारा शोल्डर जॉइंट है। तो इसमें मूवमेंट कैसा होगा लाइक दैट, इस तरह से आपको ये मूवमेंट शो करेगा ऑल डायरेक्शन में। और फिर आपका क्या है नेक्स्ट, हिंग जॉइंट। हिंग को हिंदी में कब्जा बोलते हैं, जैसे डोर में जो लगा रहता है जो कि पुल और पुश करने में मदद करता है, तो उसी तरह ये भी जॉइंट जो है पुल और पुश करने में मदद करेगा। तो ये हम कहां पाया जाता है, एल्बो, नी एंड एंकल। तो एल्बो जॉइंट है, जैसे ये यहां से ये जॉइंट करेगा तो ये क्या होगा एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सिस पे मूव करेगा, इसको अगर बैकवर्ड मूव करने का कोशिश करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। और पाइवट जॉइंट, ये जो है इस तरह से अगर ट्विस्ट करते हैं हम अपने आर्म को, तो ये एग्जांपल है आपका पाइवट जॉइंट का। ये पाइवट जॉइंट क्या, हम लोगों ने देखा कि ये क्या करता है, ये रेडियस और अल्ना जो दो जॉइंट है मतलब दो बोन है उसको फोर आर्म से कनेक्ट करता है ताकि हमारा फोर आर्म ट्विस्ट हो सके और हम कोई काम कर सके। हिंग जॉइंट में हम लोग क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि वो सिर्फ वन एक्सिस पे मूवमेंट करता है, वो सिर्फ फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड नहीं होगा। लेकिन ये जो पाइवट जॉइंट है ये ट्विस्टिंग करने में, फोर आर्म को ट्विस्ट करने में मदद करेगा, मतलब रेडियस और अल्ना को फोर आर्म से ज्वाइन करेगा, वो है हमारा पाइवट जॉइंट। और पाइवट जॉइंट का एक और एग्जाम्पल है जो हमारा हेड, पाइवट जॉइंट का एक और एग्जाम्पल है जो हमारा हेड रीजन है और हमारा नेक रीजन है, इन दोनों को जो आपस में जोड़ता है वो भी पाइवट जॉइंट है। हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्टिब्रा बना होता है तो पहला जो होता है वो सर्विकल वर्टिब्रा होता है जहाँ पे C1 to C7 प्रेजेंट होता है। तो ये जो पाइवट जॉइंट में क्या होगा, ये एटलस और एक्सिस को कनेक्ट करेगा। एटलस क्या होगा C1 और एक्सिस हमारा क्या होगा C2। तो C1 से C7 तक हमारा क्या होता है सर्विकल वर्टिब्रा होता है, तो ये C1 और C2 को जो कनेक्ट करेगा वो है पाइवट जॉइंट। और नेक्स्ट क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये ग्लाइड करेगा, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है इसको ग्लाइड इस तरह से वो ग्लाइडिंग करेगा। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो कहाँ पाया जाएगा, तो वो हमारे रिस्ट में, कलाई में या एंकल्स में या हमारे फिंगर्स या टूज में। तो ग्लाइडिंग जॉइंट का क्या काम है, जो हमारा रिस्ट का जो भी मूवमेंट है या एंकल्स का मूवमेंट है या हमारे फिंगर्स का मूवमेंट है, सारा मूवमेंट जो शो होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है सेम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जैसा। वो कैसे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि वो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, उसी तरह जो सैडल जॉइंट है इसका एग्जांपल है थंब। तो थंब भी आपको क्या होगा ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा। सारे फिंगर्स का जॉइंट अलग लेकिन थंब का जॉइंट अलग होता है। तो आज हम लोगों ने जॉइंट के टाइप्स के बारे में पढ़ा और एक और बात कि जॉइंट के स्टडी को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी। तो हम लोगों ने जॉइंट्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। होप कि आपको
समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस जरूर इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।